हेलो स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वर्ल्ड एंटी चाइल्ड लेबर डे। वर्ल्ड का मतलब विश्व, एंटी का मतलब किसी के खिलाफ, चाइल्ड मीन बच्चा, लेबर का मतलब काम और डे दिन और दिवस। एक ऐसे दिन का सेलिब्रेशन करना या ऐसे दिन का यूटिलाइजेशन करना जिसमें ये लोगों को जागरूक किया जाए कि बच्चों से मजदूरी नहीं करवानी चाहिए। वर्ल्ड एंटी चाइल्ड लेबर डे जो डिक्लेयर किया गया वो किया गया बाय इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक पार्ट है किसका, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज यूएनओ। इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि हर साल 12th ऑफ जून को वर्ल्ड एंटी चाइल्ड लेबर डे को मनाया जाएगा, सो एज टू मेक द पीपल अवेयर कि बच्चों का जो बेसिक राइट है वो उनको दिया जाए रादर देन उसके बेसिक राइट को छीन लिया जाए फॉर देयर ओन पर्सनल बेनिफिट्स। आपको सरप्राइज होगा कि पूरे वर्ल्ड में अप्रोक्सीमेटली 235 मिलियन बच्चे हैं जो कि मजदूरी करते हैं। नाउ अब क्वेश्चन राइज होता है कि क्या जो बच्चे सारे घर का काम करते हैं, जो अपनी दुकान पे काम करते हैं, जब किसी की दुकान पे काम करते हैं, वो सब कुछ एंटी चाइल्ड लेबर ला के अंडर आता है? तो नो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर किसी पेरेंट की जनरेशन टू जनरेशन और उसी पेरेंट का कोई खास स्किल है तो वो स्किल अपने बच्चे को प्रदान करता है, तो डेट इज नॉट ए लेबर। अगर किसी के पास अपनी दुकान है या कोई मैकेनिक का काम है और बच्चे को वो स्किल देता है लेकिन उसके बेसिक राइट छीन के नहीं, एज एन एडिशनल, ताकि वो अपने ज्ञान को अपने बच्चे को दे रहा है, तो उसे हम लेबर नहीं कहेंगे कि बच्चे से लेबर करवा रहे। लेबर वर्ड तब यूज करते हैं जब बच्चे से काम लिया जाता है अगेंस्ट हिज हर ओन विल, उसकी विल के अगेंस्ट। अब लेबर में कौन कौन से पैरामीटर आते हैं जो कि इल्लीगल है? ऐसा काम जो बच्चे से उसका बचपन छीन ले, जो बच्चे को डिबार करे स्कूल जाने से, जो बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन एज तक उसे एजुकेशन ना लेने दे, जो बच्चे को फिजिकली और मेंटली और सोशली उसे वीक बना दे, उसे सोसाइटी में एडजस्ट होने के लिए आप बोल सको हैंडीकैप कर दे, उसे हम बोलते हैं कि ये एंटी चाइल्ड लेबर लॉ के अंदर आता है। बिकॉज वो जो काम है वो बच्चे से उसका बचपन छीन रही है, उसकी मासूमियत को छीना जा रहा है, उसकी बेसिक एजुकेशन से छीनी जा रही है, वो सोसाइटी में अपने को एडजस्ट नहीं कर पा रहा, दूसरे बच्चों को देखता है वो खेल रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं, लेकिन उस बच्चे से वो सारी बेसिक राइट छीने गए। दैट इज वाई हर कंट्री में एंटी चाइल्ड लेबर डे के बारे में अवेयरनेस दी जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे ही जो है वो देश का भविष्य है, बच्चे के कंधे के ऊपर ही देश का फ्यूचर डिपेंड करता है, यही बच्चे को हमें रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये हम सबका फर्ज है कि हम जहां देखें कि बच्चे से बंधिया मजदूरी करवाई जा रही है, फोर्सफुल इल्लीगल काम करवाया जा रहा है, चाहे वो बैगिंग है, चाहे वो इल्लीगल ड्रग को सप्लाई करने के लिए उसे बेचने के लिए फोर्स किया जा रहा है, चाहे शराब सप्लाई करने के लिए उसे फोर्स किया जा रहा है, उसे वो एक्टिविटी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है जो कि वो चाहता ही नहीं है या चाहती नहीं है। जैसे कि आप देखते होंगे न्यूज में, टीवी में, या शायद आस पड़ोस में भी, कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो सर के ऊपर ईंटें लेके घूम रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो कूड़ा उठाने आ रहे हैं, ऐसे छोटे बच्चे दुकान में बैठे हुए और चाय शाय देने के लिए जा रहे हैं, ना ही उनका ये फैमिली जैसे चाय देने जा रहे हैं, वो उनका फैमिलियल
शॉप नहीं है, वो उनको मजबूरी में करवाया जा रहा है। ऐसे बच्चे, ऐसे बच्चों की रिपोर्ट जो है वो कंसर्न अथॉरिटी से करनी चाहिए सुबह, कि वो बच्चे जो हैं उनको बेसिक राइट मिले और वो अच्छी पढ़ाई करें, अच्छा स्किल डेवलपमेंट करें और एक्ट करें एज ए नेशनल बिल्डर। अब आप सोचिए कि कुछ बच्चे जो ऐसा काम करते हैं, दिन को वो ईंटें उठा रहे हैं, दोपहर को वो न्यूज़पेपर बेच रहे हैं, शाम को वो भीख मांग रहे हैं, रात को उनको खाना नहीं मिल रहा, ऐसे बच्चे जब बाकी बच्चों को देखते होंगे जो प्रॉपरली सो रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो उनके मन में कैसा होता होगा? वो तो टॉर्चर हो गए, वो तो अपने को कर्ज करते होंगे कि हम किस सोसाइटी में आ गए। ऑब्वियसली बात है, उनको जो डायरेक्शन मिलेगी वो गलत ही मिलेंगी। कुछ बच्चे जो हैं वो सोचते हैं कि हाँ सोसाइटी ने हमें इस चीज के लिए फोर्स करा तो हम बदला लेंगे सोसाइटी से। तो बी द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, प्लीज आप इन चीजों को अनदेखा नहीं कीजिए। आप उन बच्चों के पेरेंट्स से मिलिए अगर पॉसिबल है तो, और उन बच्चों को, उन बच्चे के पेरेंट्स को बताइए कि कम से कम उसे कंपलसरी एजुकेशन दी जाए सो डैट वो अपना स्किल डेवलपमेंट करे और अपने बेटर फ्यूचर की तरफ बढ़ सके। हमें कुछ स्टूडेंट्स को मंच पे आके बोलने के लिए कहूंगा कि वो कुछ शब्द जो है वो एंटी चाइल्ड लेबर डे के ऊपर कहें। थैंक यू। Myself Ranjit Kaur, class 12th medical student. I want to speak topic on the World Day Against Child Labour, 12 June 2021. This year World Day Against Child Labour focus on action taken for the 2021. Child labour is defined by international standards as work that is hazardous, demand too much hours or is performed by children who are too young. It harms children mentally, physically, socially and morally. It interferes with their schooling, preventing them from attending or concentrating. It may involve them being enslaved, separated from their families and exposed to serious hazards and illness. Children work because their survival depends on it, because their parents don't have access to decent work, because national education and social protection systems are weak. Child labor is sometimes the result of ingrained customs and traditions. Each well-intended practice can be harmful, such as the view that work is good for children because it helps them build character and develop skills. The tradition that children should follow their parents' footsteps and learn their trade at any early age. The importance of tradition that push poor families that into debt, which are paid off through child labor. Globally, 1.5 million children aged 5 to 17 are in child labor. About half of them, 7 to 2.5 million, perform hazardous work that places their health, safety or moral development at risk. The overall numbers are trending in right direction. Child labor has decreased by 38% since 2000, from 246 to 152 million children. International awareness is growing, driven by globalized markets, economic transparency and consumer behavior. Our goal, the elimination of child labor, is within reach. The International Day was launched by the international level organization ILO in 2002. We are calling on all stakeholders to choose a specific action that contributes to involving. Good morning, everyone. Today we will discuss about Anti-Child Labor Day. Here are some lines on Anti-Child Labor Day. Child labor is the most important in the world. It affects the children both physically and mentally. Labor work is painful for children. This can spoil their future. According to Child Labor Act, child below 14 years old is not allowed for work. The main reason behind child labor is poverty. Unemployment is the other main reason
of child labor. Parents who financially poor send their children to earn money. It is said that children are the future of the country. So it is responsibility to protect children from child labor. Thanks. Sir ji, good afternoon. I want to speak on speech world anti-child labor. Child labor is a curse to the children who are forced to do travel manual jobs for little financial payment. In exchange, it denies their childhood of freedom, education and health. Poverty and illiteracy is the main causes of child labor. Children engaged in child labor never got an opportunity to go to school and are pushed into a life of misery and poverty. With this, I would like to conclude my speech requesting you all to keep up the fight against child labor. If we witness child exploitation in any form, future of a nation relies on its children. If the childhood is suffering today, then our nation will suffer tomorrow. Thank you. Surgery myself, Kurna Mehra, class 12, medical student. It's World Anti-Child Laborers Day. The world against child laborers is to pay attention to the problem of child labor and to find ways to eradicate it. The day is used to spread awareness the harmful mental and physical problem faced by the children forced into child labor all over the world.